जब भी किसी कंट्री में गवर्नमेंट बनती है तो वो उसके उस कंट्री के पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनती है। यस, ये बात समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग उस गवर्नमेंट को बनाते हैं उनके अंदर कोई ना कोई माइंडसेट होना चाहिए। ऑब्वियसली बिना माइंडसेट के कोई चीज़ कैसे हो सकती है भाई? बुक भी माइंडसेट से लिखी जा सकती है, और गवर्नमेंट जैसी बड़ी चीज़ तो माइंडसेट से ही होगी ना। आइडियोलॉजी, माइंडसेट, ये सब तो लोगों में होना ही होगा गवर्नमेंट बनने के लिए। लेकिन माइंडसेट तो चाहे हो, एक अच्छा माइंडसेट होना ज़रूरी है। तो भाई, लेकिन यार कभी कभी हो सकता है बुरे माइंडसेट भी हो जाए, है ना? हम क्या कर सकते हैं? चलो वो सब छोड़ो, आज का वीडियो टॉपिक मेन दो आइडियोलॉजीज पे है जो कि वर्ल्ड में अभी भी चलती आ रही हैं। और आज का वीडियो टाइटल है कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। ये है कार्ल हेनरिक मार्क्स, जो कि प्रशिया जर्मनी में पैदा हुआ था, और ये था कम्युनिज्म का फादर। यस, इसने कम्युनिज्म लिखी थी अपनी एक बुक में जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है? और फिर इसने पूर्ण तरीके से कम्युनिस्ट पूरे वर्ल्ड में फैलाने की सोची थी, ठीक है? और इधर और ये है एक स्कॉटिश एडम स्मिथ, इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जानते हैं। आई थिंक सो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी वो इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। और ये हैं आज के फादर ऑफ कैपिटलिज्म, और इन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसमें इन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया था। तो भाई आज इन दोनों में लड़ाई होने वाली है, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एक्चुअली में है क्या। तो भाई कम्युनिज्म में ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, कि अपने कंट्री की सारी इंडस्ट्रीज, सारे फैक्ट्रीज, ट्रेड, इकोनॉमी, ग्रोथ, जीडीपी, हर किसी को गवर्नमेंट ही पूरे तरीके से कंट्रोल करती है। और ये सब क्यों होता है? ताकि हो जाए एस्टैब्लिश इक्वालिटी, ठीक है? सबको सारी एक ही कमाई मिले, ठीक है? ये आइडियोलॉजीज कमाई से बहुत जुड़ी हुई है। तो भाई पैसे में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? सबको एक ही कमाई मिल पाए, इस वजह से गवर्नमेंट इन सबको कंट्रोल करती है। हालांकि जो एक्चुअली जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको लास्ट में अपने ओपिनियन में बताऊंगा। ओके, तो फिर कम्युनिज्म में ऐसी होती है भाई लोग, कैपिटलिज्म में जो गवर्नमेंट होती है ना वो कुछ इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट भी लाइक आई डोंट केयर। इस वजह से जो कैपिटलिस्ट के लोग होते हैं वो करते हैं अपनी प्राइवेट कमाई, और जो ज़्यादा कमाई करेगा उसे मिलेगा ज़्यादा पैसा, जो कम कमाई करेगा उसे मिलेगा कम पैसा, मतलब ऑब्वियसली ब्रो। और भाई इस वजह से कैपिटलिज्म इकोनॉमी बढ़ती घटती रहती है एक तरीके की, मतलब बढ़ती घटती तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी है, लेकिन चलो तुम समझ रहे हो शायद। तो भाई कैपिटलिस्ट ऐसी ही होती है, ठीक है? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब मोस्टली प्राइवेट होते हैं। गवर्नमेंट नेग्लिजिबली थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं करती, ठीक है? चलो भाई तुमको डिफरेंसेस बता दिया जाए। भाई कम्युनिज्म में देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमिक चीज़ों में, सारी चीज़ें अपने अंदर ले लेती है, ठीक है? और इस वजह से ताकि लोगों को फेयर अर्निंग मिल सके। और लेकिन कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिज्म में सारे लोगों को इक्वल पैसा मिलता है, जबकि कैपिटलिज्म में नहीं, किसी को बड़ा किसी को छोटा। और अब लास्ट पॉइंट, अपर क्लास और लोअर क्लास नहीं एग्जिस्ट करती कम्युनिज्म में। बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है भाई, लेकिन कैपिटलिज्म में जी हाँ एग्जिस्ट करती है। हो सकता है ना करे, बट या आई थिंक सो मोस्ट केसेस में आज के ज़माने में तो ये नेग्लिजिबल है। तो भाई वीडियो का मेन टॉपिक यही ख़त्म। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कम्युनिज्म में यार अगर कोई ज़्यादा मेहनत भी करेगा तब भी उसका काम नहीं होगा ब्रो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। उसको फेयर अर्निंग्स नहीं मिलेंगी यार। एक तरीके से कैपिटलिज्म फेयर अर्निंग्स को प्रमोट करता है, जो कि हर किसी चीज़ को साइड में रख के अपने आप को सुप्रीम बना लेता है। इसलिए आज की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कैपिटलिस्ट है, और इंडिया बहुत है, थोड़ा बहुत है ना, कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों में मिक्स है थोड़ा थोड़ा, ले यार है ना। और लेकिन कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करनी चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि इंसान को फेयर अर्निंग्स मिले, वो ज़्यादा मेहनत करे तो ज़्यादा पैसा मिले। तो भाई आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, हम आपसे ऐसे ही बढ़िया टॉपिक्स में अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।